Assalamualaikum, this is Christy Hena and once again welcome back to my channel guys. So आप सब कैसे हैं? I hope आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों का प्यार से मैं बिल्कुल भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे थे मायरा का थर्ड बर्थडे वाला कैसेट, ये देख सकते हो आप लोग, छोटी सी मायरा और वो 1 ईयर्स वाली मायरा। और गाइज अब वो वक्त आ गया है जो मैंने बहुत दिनों से आप लोगों को नहीं बताया और अब बताने का मौका आ गया है, तो बता दे रही हूँ आप लोगों को। अभी चल रही है दिसंबर और जनवरी में मेरी अप्पी की शादी है, मेरी बहन की शादी होने वाली है, आप लोग तो जानते ही हो मेरी बहन, एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइज। आप लोगों को पता है घर में किसी अपनी की शादी होती है तो बहुत ही मज़ा आता है और बहुत इंसान बिजी भी रहता है, परेशान भी रहता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ एक एक मोमेंट आप लोगों को दिखाऊँ, एक एक मोमेंट कैप्चर करूँ और आप लोगों के साथ सारा वक्त अपना शेयर करूँ मैं, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है अभी घर पे, क्या नहीं हो रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ अपने घर। एक्चुअली हम लोगों का एक रस्म होता है, हल्दी कुटाई होता है, शादी है, बहुत सारी रस्में होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो कल वो होने वाला है हल्दी कुटाई और मिलाद भी है कल घर पे, तो इसीलिए मैं आज से ही चले जा रही हूँ। फ्राइडे मायरा का सैटरडे संडे छुट्टी है, मायरा के पापा कल ही आएंगे, कल सब आएंगे, सारा फैमिली गेट टुगेदर होने वाला है कल। और आप लोग वीडियो में ऐसे बने रहे और वीडियो देखते रहे, बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। तो गाइस घर तो पहुंच चुकी थी और अब जा रही हूँ, थोड़ा आईब्रोज करवाना है क्योंकि काफ़ी दिनों से आईब्रोज मैंने नहीं करवाया है, कल घर पे फंक्शन है तो इसीलिए। आईब्रोज बनाने के बाद फेस तो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस, लेकिन बनाने के टाइम बिल्कुल भी हालत एकदम खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा चोट लगता है और दर्द होता है, मैं तो बहुत उछलती हूँ आईब्रो टाइम। और गाइस अभी हम लोग निकले हैं इंचाली मार्केट के लिए क्योंकि हम लोगों को सारा सामान लेना है हल्दी वगैरह का, कल जो रस्म होने वाला है हल्दी कुटाई का, तो उसी का सामान हम लोग नहीं आए। ये देख सकते हो आप लोग हमारा पीछे है मार्केट और यहाँ जो रहते हैं वो तो जानते होंगे ये मार्केट के बारे में, काफ़ी फेमस है और अच्छा मार्केट भी है। और यहाँ पे देखिए लेट लतीफ़ संजू भी आ गया है और दो लोग अभी और आने वाले हैं। ये रहा गाइस हल्दी का कुछ कुछ सामान जो अब कल जरूरत है वो सब भी ले लिया है और हल्दी में भी जो जरूरत रहता है वो भी हमने ले लिया है और बाकी जो सामान बाद में लेने का है वो बाद में आकर लूंगी, ठीक है? वो मैदा दिया जाएगा, हाँ हाँ ये सही हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा। और ये है इसी में हल्दी पैक होकर रखा है, वो तो कल सब रसम होगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सब। गाइस यहाँ से पुचका खाए, पुचका इतना टेस्टी था ना कि खाकर मजा आ गया बिल्कुल। मायरा पुचका कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। मायरा बिना आलू का पुचका खाती है सिर्फ पानी के साथ। तो गाइस अभी यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे अभी बैनर बन रहा है हल्दी कुटाई का, उसमें लिखा है हल्दी कुटाई और हल्दी कुटाई सेरेमनी। अच्छा उसी का बैनर बन रहा है, रेडी होगा तो है तो आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी अपने स्किल्स दिखाते हुए, बहुत ही बारीकी वाला काम, एकदम परफेक्ट करना पड़ेगा मुझे, परफेक्ट नहीं एकदम परफेक्ट, परफेक्ट कटेगा तभी अच्छा बनेगा, है कि नहीं? कटिंग क्या हो रहा है वैसे? कटिंग यहाँ पे, यहाँ पे कुछ कुछ कटिंग हो चुका है। कहाँ गया तंजू? बर्थडे में जैसे बनता है वैसे ही इसमें लिखाएगा। अच्छा अच्छा लग रहा है, पूरा बनने के बाद देखेंगे आप लोग तो और भी अच्छा लगेगा। हाँ यही सब करेंगे अब घर बैठ के, अब यही सब करना है, व्लॉगिंग छोड़ने वाले हैं अब, यही सब करने वाले हैं। मायरा को इतना ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया ना गाइस कि क्या बताऊं, और फीवर भी है, वेदर चेंज होने की वजह से अभी से ही सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है मायरा तुम्हें, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? खाना अंदर नहीं जा रहा है, मायरा का टॉन्सिल भी बढ़ गया है, खाना भी अंदर नहीं जा रहा है, ठीक हो जाएगा, कल डॉक्टर के पास ले चलूंगी, ठीक है? ये रहा गाइस अभी आधा रेडी हो चुका है ये, और ये रहा हल्दी, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, और इसमें दुल्हन का भी मेहनत था। क्या हुआ यार?
और यहाँ पे है सबसे बड़ी मेहनती मायरा। मायरा भी उठकर हेल्प करने लगी है। अब मैं ये कर रही क्या कर रही हो तुम? काट काटनी। रही हो? ओके गाइस, मैं चलती हूँ अब सोने के लिए और मिलती हूँ आप लोगों से सुबह, और कल सारा रस्म आप लोगों को दिखाती हूँ। आज शाम के नाश्ते में बन रहा है छोला और भटूरा, और मुझे ये काम मिला है करने के लिए, और बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि इतना ज्यादा मैंने कभी बनाया नहीं है। हमेशा थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, इसीलिए तो ऐसा नर्वस फील हो रहा है, पता नहीं कैसे बनेगा। गाइस, मैं कभी इतना नर्वस नहीं हूँ पकाने में, मतलब मुझे तो शौक है और मेरा चैनल भी है, आप लोग जानते हैं, जो मैं अच्छा बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन कभी कभी इतना बनाने में ना बहुत नर्वस हो जाती हूँ क्योंकि इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं बनाया है, और आज अप्पी ने मेरे ऊपर ही सब दे दिया। छोला भी मैं बना रही हूँ और डो भी बना कर रख दिया है। अब देखती हूँ खाकर ही सब बताएंगे कि सब कैसा बना है नहीं बना है इंशाल्लाह। ये रहा गाइस छोला का मसाला, यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है। ये भुना जाएगा तो उसके बाद इसमें छोला चला जाएगा। तो गाइस मैं रेडी हूँ और दुल्हन अभी तक रेडी नहीं हुई है, दुल्हन अभी पीछे बैठी है, डेकोरेट में ही वो लगी हुई है। और मैंने आज साड़ी पहना है येलो येलो क्योंकि हल्दी कुटाई है और मेरी बहन की शादी है, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ माशाल्लाह। जो भी शौक होगा सब इसके शादी में निकाल लूंगी। इसके बाद मेरे भाई की शादी में भी बहुत टाइम है। ये रहा गाइस नाश्ता रेडी है, छोला भटूरा और उसके साथ एक स्वीट्स है। तो चलिए पहले दुल्हन को देते हैं, ठीक है दुल्हन जी? थैंक यू स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, थैंक यू। कुछ दिन में चले जाने वाली है इसलिए अच्छा ट्रीटमेंट कर दे उसको, है ना? लीजिए डालिए। थैंक यू। कुछ दिन बाद तो अब इसको टाटा बाय बाय करना है। अच्छा, जो जो खा लिया उससे पूछो तो कैसा बना था? अब हम खाने जा रहे हैं और हम खा के आप लोगों को बताते हैं कि मुझे कैसा लगा है। चलिए गाइस अब मैं खा कर ट्राई करती हूँ और मैं आप लोगों को इसका रिव्यू देती हूँ, क्योंकि इतना मतलब कम बनाने से इतना डर नहीं लगता है। बहुत ज्यादा था, 3 किलो मैदा था, 50 लोगों का खाना था, तो इसीलिए थोड़ा नर्वस थे। लेकिन अब सुन के खुशी हुआ है कि सबको बहुत अच्छा लगा है, और मैं भी अब खा के देखती हूँ सबने खा लिया है। हमको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन खाने वाला लोग तो रिव्यू दिया है ना, अच्छा बना है, फीडबैक अच्छा मिला। चलो खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। सब चाय पार्टनर लोग यहाँ चाय पी रहे हैं, और आप इनको इनको देखा नहीं आपने वीडियो में कभी? ये मेरी सबसे बड़ी मामी है, और एक है बैठ कर वहाँ, और एक नहीं आ पाई क्योंकि उनका अभी बेबी हुआ है इसीलिए। और इन लोगों तो आप अच्छे से जानते ही हो। और अभी हम लोग चाय पी के अपना थकान दूर कर रहे हैं, उसके बाद हल्दी कुटाई स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहे। रसम स्टार्ट होने जा रहा है गाइस, इसमें ये हल्दी है, सूखी हुई हल्दी वो जा रहा है ट्रे में, और उसके साथ ही साथ है चमेली की ऑयल। ये सब पहली बार कर रही हूँ मैं, शादी होने के बाद ये पहला एक्सपीरियंस है मेरा। और ये सिंदूर अभी देख, आप लोग देखते रहना ऐसे में, आगे और भी पता चलेगा। इससे और कुछ नहीं निकालना है ना। चलो सब सेटल हो गया। दुल्हन कहाँ गई? दुल्हन अरे आओ ना यहाँ पे, दुल्हन गायब है यहाँ से, बैठ जाओ वहाँ पे, इसको इसमें रख देंगे। वाह तेरा मियाँ ना, हम तेरे को लगा देते हैं अब। आए थे
वाओ आइए सलमा मुझ पे बांग बड़े सिंदूर। चलो अब जो लड़की लोग हैं उसको बिंदी लगाती हूँ, ठीक है? उन लोगों को सिंदूर थोड़ा सा थोड़ा सा। भीजा भी नहीं पानी है ना, भी नहीं पानी। मायरा मायरा बिंदी 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 आप यार अलपला ऐ खेल लो गए यहाँ बोले गोरी का फोटो लगाया छठ पूजा में जा। बिना समझ के बाहर है, समझ में नहीं आ रहा। दुल्हन अभी थोड़ा शर्मा रही है ना बनने के, देवा भी शर्मा रही है दुल्हन। हल्दी अब यहाँ पे मिलकर रेडी हो रहा है और कैसे हो रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। ये कितना ढालना है, ये आधा ये तो हो जाएगा पूरा लग रहा है क्योंकि ज्यादा नहीं है इसमें तो। अब इसको पैक करके रख देना है ना, आटा है ना आटा से और ये हल्दी अब पैक हो चुका है और दुल्हन बहुत ध्यान से देख रही है कि इसका क्या हो रहा है। यहाँ पे ये अब चिपक जाएगा ना, भी बड़ी बहू बनेगी इसको। हाँ हल्दी पैक हो गया है और अब ये लगन के दिन ही निकलेगा ये हल्दी इंशाल्लाह। और गाइस कुछ गेस्ट लोग तो चले गए हैं और अभी मेरी फूफी लोग सब घर पे ही है और सबसे आप लोगों को आज मिलवाती हूँ मैं एक एक करके। तो ये मेरी बड़ी फूफी है सबसे, कभी आप लोगों ने वीडियो में नहीं देखा होगा तो इस बार क्योंकि शादी के टाइम में सब घर पे है तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को सबसे इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, है ना। और गाइस ये मेरी मंजली फूफी है और मतलब इनका मैं क्या तारीफ करूँ, जितनी भी तारीफ करूँ उतनी कम हो जाएगी, है कि नहीं? झूठ बोलती है? नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रहे, बिल्कुल सच है ये, इनकी जितनी भी तारीफ करूँ मैं कम है। और ये मेरी संजली फूफी है, इनसे भी मिल लो आप लोग, हाय कर दीजिए सब। क्या बोलती है बता दो।
पुप्पी तो बोलते नहीं है, मॉम बोलते हैं, और इनको भी हम लोग मोती पुप्पी नहीं बोलते, मोज बोलते हैं, और बड़ी पुप्पी जो थी उनको साधो बोलते हैं, किसी को पुप्पी नहीं बोलते। और ये मेरी सबसे छोटी वाली पुप्पी है, इनसे भी मिल लो आप लोग, बहुत ही मेहनती है ये, मतलब सब काम इतना जल्दी जल्दी फिनिश कर देती है, पता ही नहीं चलता। ये मेरी प्यारी से प्यारी भतीजी है। और ये मेरी आंटी है, मेरी मम्मी दो बहन थी और ये आंटी है, ये भी मेरी मम्मी की तरह है, तो इनको मैं जब भी देखती हूँ मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि मम्मी के बाद यही थी जो एक है। हेलो हेलो, सबसे तो आप लोगों को मिला दिया गाइस, ये रहे मेरे सारे फैमिली, और कुछ कुछ मिसिंग है जो जिनको मैं शादी में आप लोगों से जरूर मिलवाऊंगी। चलो सब बाय कर दीजिए सबको। तो गाइज हल्दी कुटाई का फंक्शन तो आप लोगों ने देखा ही, बहुत ही अच्छा रहा माशाल्लाह, और मैंने आप लोगों को सबसे मिलाया भी, और माशाल्लाह बहुत मजा आया आज, हमने बहुत इंजॉय किया है कि नहीं? बहुत मजा आया, टायर्ड हो गए और मायरा का थोड़ा तबीयत खराब हो गया, इसलिए हम लोग थोड़ा अपसेट हैं। आज ही वो डॉक्टर दिखा कर आई है, एक्चुअली उसे कुछ दिन पहले लूज मोशन हुआ था, उसके बाद ठीक हो गया था, वापस से होने लगा, और अभी उसे कोल्ड एंड कफ बहुत ज्यादा ही हो गया, तो इसीलिए आज शाम को ही डॉक्टर दिखा के आए। इस वीडियो को अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा गाइस कमेंट करके जरूर बताना, और बहुत सारा लाइक देना, बहुत सारा प्यार देना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।